वैसे बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं किया, इन्हें देश को तबाह किया, इन्हें प्रदेश को तबाह किया, इन्हें आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और ये कांग्रेस कोई भला नहीं करने वाली। जबलपुर वालों, संस्कारधारी वालों, आज मैं कमलनाथ से पूछता हूं, दिग्विजय सिंह से पूछता हूं, तुमने किया क्या है जबलपुर के लिए, कोई बता तो, गिना तो दो कोई काम। और आज मैं जबलपुर वासियों को, जो इस सभा में है उनको भी, जो सभा में नहीं है उनको भी, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं, राकेश सिंह बैठे जबलपुर के विकास के लिए सदैव प्रतिशील रहने वाले, अशोक रोहाणी जी बैठे, मैं केवल कुछ काम आज आपको गिनाना चाहता हूं, क्योंकि ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे ये जबलपुर है संस्कारधानी, इस जबलपुर में लगभग 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है दमोह नाका से लेके मदन महल तक, 845 करोड़, 99 लाख रुपए के लागत का इतना बड़ा फ्लाईओवर न इंदौर में बन रहा है, न भोपाल में बन रहा है, अगर बन रहा है तो अपने जबलपुर में बन रहा है। बताओ ऐसे फ्लाईओवर कभी कांग्रेस ने बनवाए थे क्या? हाँ जोर से बोलो, बनवाए थे क्या? केवल ये ही नहीं, 136 किलोमीटर की, 561 करोड़ की लागत की सड़कों का निर्माण का काम स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन है। जब जिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे तब की सड़कें याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए हिंच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, यार आ गए शंकर भोले। मारे कमलनाथ और दिग्गी राजा, हमसे बात करते हो तुम? तुमने क्या हालत बनाई थी जबलपुर की? डुमना एयरपोर्ट, और गरीब भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट का मतलब केवल अमीरों से नहीं, अरे नरेंद्र मोदी जी तो चाहते हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। दूसरी बात, एयरपोर्ट अगर बनेगा, उद्योग धंधे इंडस्ट्री कारोबार बढ़ेगा, और इसलिए आप देख के आना कितना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अभी तो विमान देश से आ रहे हैं, दुनिया भर से जबलपुर को कनेक्ट कर दिया जाएगा आने वाले समय में। शहर में सीवर लाइन, कांग्रेसियों मुझे जवाब देना तुमने क्या किया, हमसे पूछते हैं, मैं बता रहा हूं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं पूरा विवरण नहीं दे रहा, समय कम है मेरे पास, 545 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के बनाए जा रहे हैं, 321 करोड़ खर्चा हो रहा है, बाकी में काम चल रहा है, एसटीपी प्लांट बन रहा है, सीवर लाइन डल रही है, और उसके साथ साथ एक फ्लाईओवर नहीं, सुन लो जबलपुर वालों, 150 किलोमीटर की डामर और सीसी रोड का 100 करोड़ की लागत से निर्माण का काम पूरा हुआ है, और जबलपुर आउटर रिंग रोड, राकेश सिंह जी के लिए भी तालियां बजाइए, 108 किलोमीटर। अच्छा मुझे 108 याद था, 116, 116 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड, जिसमें जमीन अधिग्रहित करेंगे तो कुल लागत आएगी 12,000 करोड़ रुपया, ये जबलपुर में बनाया जाएगा, ऐसा इंदौर भोपाल में नहीं बना। मेरे बहनों और भाइयों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर 24 करोड़ 88 लाख रुपए का, और सुन लो आज कह के जा रहा हूं, मामा कह के जा रहा है कांग्रेसियों, अमृत फेज 2 में जबलपुर को 720 करोड़ रुपया अशोक रोहाणी जी और स्वीकृत किए जा रहे हैं, 720 करोड़ रुपया सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर से होटल 98 करोड़ 20 लाख रुपए का, संस्कृति थिएटर 14 करोड़ रुपए का, भटोली ओपन एयर थिएटर और विसर्जन कुंड 14 करोड़ 21 लाख का। और एक बात और, जबलपुर में नौजवानों, सबसे शानदार और सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां मेरे बच्चे खेलेंगे,
और आगे बढ़ेंगे, उसकी भी पूरी योजना हमने तैयार कर ली है। जल संरचनाएं जितनी हैं, नदी तालाब कुएं बावड़ी, रानीताल, आधारताल, चेरीताल, ये ताल तो खा गए सब कांग्रेसी, इनके जमाने में कितने ताल बर्बाद हो गए, 52 तालाब ताल थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।